हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि iOS जो होता है वो एंड्रॉयड से स्पीड क्यों होता है, फास्ट क्यों होता है। क्योंकि आपने अगर कहीं भी सुना हो तो iOS सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है और एंड्रॉयड के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज है। तो इसका रीज़न क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए फिर आरम्भ करते हैं। iOS और Android के बीच हमेशा टक्कर चलता ही रहता है और ये दोनों को कंपेयर करना बहुत मुश्किल, क्योंकि iOS एक अलग है और Android एक अलग है। लेकिन iOS इतना स्पीड क्यों होता है, तो आज मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। यस, क्योंकि आपको पता ही है कि आईफोन जो है iOS भी एप्पल का ही है और जो सारे प्रोसेसर्स होते हैं, जो हार्डवेयर होते हैं, वो भी एप्पल के थ्रू ही बनाया जाता है। इसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एकदम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जिसके थ्रू प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है, जिससे ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है और जो सारे ऐप्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से तैयार किए जाते हैं। क्योंकि जो उनका ऐप स्टोर वो भी उन्हीं का ही है, यानी ऐप स्टोर पर जो सारे ऐप्स आते हैं वो भी उन्हीं के हैं, iOS भी एप्पल का ही है, जो हार्डवेयर बना रहा है वो भी सारे एप्पल के, जो सब कुछ एप्पल का होने की वजह से सब कुछ अच्छी तरह से ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। और आगे बात की जाए तो एंड्रॉयड की जगह पर सब कुछ अलग है, यानी एंड्रॉयड गूगल का है, प्ले स्टोर गूगल का है। और बात की जाए जो कंपनी जो हार्डवेयर होती है, जैसे कि सैमसंग, बात की जाए वीवो, वन प्लस और बहुत सारी अदर्स कंपनीज, नोकिया, MI, रियलमी, ये सारी कंपनीज अलग अलग होती है। तो इनका हार्डवेयर भी अलग होता है, सॉफ्टवेयर भी अलग होता है और वहाँ पे ओपन सोर्स होता है, तो कोई भी आके ऐप बना देता है इसके थ्रू। जैसे कि कोई भी फ़ोन होता है तो हर ऐप्स को तो अच्छी तरह सपोर्ट करता नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबल का जो फ़ोन होता है उसमें ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस होती है और जो कम स्पेसिफिकेशन वाला होता है, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, मिड रेंज वाला होता है, तो उसमें अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं होते। इसके लिए आपको हमेशा जो है एंड्रॉइड स्लो देखने को मिलता है और iOS फास्ट देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए तो आपको कभी भी एप्पल के फ़ोन में कभी आप मेमोरी नहीं लगा सकते हो। आप भी तो पहले तो हमें एक ही सिम लगाया जाता था, ओनली आप सिंगल सिम लगा सकते थे और कुछ नहीं। अब धीरे धीरे आईफोन में आप दो सिम लगा सकते हो, वो भी एक सिंगल फिजिकल सिम और सेकेंड बात की जाए ई सिम, उसमें आप कभी भी मेमोरी नहीं लगा सकते हो। तो एक ये भी प्लस पॉइंट निकल के आता है आईफोन का। बस भले ही आपके लिए माइनस पॉइंट हो, लेकिन वो स्पीड की नज़रिए से देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट है। आपको एंड्रॉइड में भी आज के समय में आपको मेमोरी लगाने दिया जाता है, लेकिन जो फ्लेक्सी फोन है उसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट इसलिए दिया जाता है कि अगर आपको मेमोरी की जरूरत ना हो तो आप दो सिम का यूज कीजिए। इसके लिए धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप मेमोरी का यूज करते हो तो आप सस्ते वाले मेमोरी, जैसे कि बात की जाए 100 रुपये, 200 रुपये, ये वाली मेमोरी 1000 रुपये, इतने स्पीड वाली मेमोरी ले लेते हो, आपको पता चलता नहीं कि मेमोरी कौन सी क्लास की है, कितनी स्पीड देगी, तो इस पर भी फोन का बहुत बुरा असर पड़ता है। यस, अगर आपके फोन में मेमोरी की जरूरत नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी अपने फोन में मेमोरी का यूज ना कीजिए। यस, मेमोरी का यूज करने से जो फोन की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि जो इसकी इंटरनल मेमोरी आती है और जो आप अलग से मेमोरी लगाते हो उसमें और इसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। यस, इससे वो 100 गुना ज्यादा फास्ट होता है, तो इसके लिए आपको स्पीड स्लो देखने को मिलता है। लेकिन आपको आईफोन में कभी आप मेमोरी लगा ही नहीं सकते हो, तो स्पीड का तो कोई झंझट ही नहीं, क्योंकि जो ऐप्स होता है वो मेमोरी से ही एक्सेस करता है, रैम भी मेमोरी से ही जाता है, आपको स्टोरेज दी जाती है उसी से आपका रैम लिया जाता है, उसी से सारा एक्सेस लिया जाता है। तो रैम पूरी तरह से जो बात करें तो मेमोरी कार्ड पे आपके डिपेंड होता है। अगर मेमोरी कार्ड आपका फास्ट है तो रैम अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज होगा, रैम अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज होगा तो आपको जो ऐप्स होंगे वो अच्छी तरह से वर्क करेंगे। इसके लिए एक और रीज़न निकल जाता है। और अगर बात की जाए तो आप कभी भी एप्पल के फ़ोन में कभी कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते हो। यस, ये बात आपने बिल्कुल करेक्ट सुनी है, iOS में आप कभी कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते, जैसे कि एंड्रॉइड में कैसा है आप कहीं भी कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। यस, बात की जाए गाना, वीडियो, मूवी या कहीं भी थर्ड पार्टी ऐप हुआ, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन iOS में ऐसा कुछ नहीं, एप्पल के फ़ोन में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ना आप गाना डाउनलोड कर सकते हो, ना वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, ना मूवी डाउनलोड कर सकते हो, ये सब इसमें सिस्टम दिया ही नहीं गया। तो इस आपके लिए तो माइनस पॉइंट है, लेकिन स्पीड की तरफ से ये प्लस पॉइंट निकल जाता है। तो ऐसा कैसे कि अगर आप कुछ चीज़ डाउनलोड करते हो तो जाके आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है। अगर आपने कोई सही जगह से डाउनलोड किया हुआ तो उसमें आपको कोई भी वायरस देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी मैलवेयर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एंड्रॉइड में आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, आप गूगल पर सर्च कीजिए, अंधाधुंध फायरिंग वेबसाइट पे लेके जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो क्या होता है कि एंड्रॉइड में बहुत बार वायरस आ जाते हैं, मैलवेयर्स आ जाते हैं, इसके थ्रू उनका फोन स्लो हो जाता है और वो धुआंधार डाउनलोड करते रहते हैं, तो उनकी जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो भी फुल हो जाती है। अगर आपका इंटरनल स्टोरेज फुल होता है तो आपका फोन 100% हैंग करेगा, लेकिन आईफोन में ऐसा ही नहीं, आप डाउनलोड कर ही नहीं सकते। डाउनलोड करोगे नहीं तो कोई मैलवेयर आएगा नहीं, कोई वायरस आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो ऐसा भी एक्सेस दिया ही नहीं गया। मतलब आप कभी वेबसाइट पर जाते हो तो एक दो वेबसाइट एक्सेस नहीं होगा, या फिर एक्सेस होगा तो डाउनलोड नहीं होगा।
होगा। तो iOS इसके लिए बहुत तरह से सिक्योर होता है, प्राइवेसी के मामले में ये सबसे ज़्यादा आगे होता है, क्योंकि उसमें मालवेयर का या बात की जाए वायरस का आने का कोई खतरा ही नहीं होता है। तो इस तरह से जो इनकी इंटरनल स्टोरेज होती है वो हमेशा खाली होती है और एंड्रॉयड का हमेशा भरा होता है। इसके लिए जो iOS तेज़ होता है और एंड्रॉयड स्लो हो जाता है। और अगर बात की जाए तो iOS जो होता है वो एकदम अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज होता है, उसमें आपको कोई भी फालतू के ऐप्स देखने को नहीं मिलते, ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलते। लेकिन एंड्रॉयड में आप कोई भी फ़ोन उठा के देख लीजिए, जैसे कि MI हुआ, Realme हुआ, Samsung हुआ, इसमें आपको भर भर के ब्लूटूथ, भर भर के कचड़ा, ये सारे देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आप जितने ऐप्स इंस्टॉल करते हो तो आपकी इंटरनल स्टोरेज उतनी ज़्यादा भरती रहती है। मैंने आपको अभी बताया कि इंटरनल स्टोरेज जितनी खाली रहेगी उतना फ़ोन आपका फास्ट चलेगा, लेकिन जितनी भरी रहेगी उतना आपका फ़ोन स्लो चलेगा। तो iOS में तो ब्लूटूथ आते ही नहीं है, तो और बंदा जो आईफोन परचेस करता है वो ज़्यादा ऐप का यूज़ नहीं करता ज़्यादातर करके, तो उनका क्या होता है इंटरनल स्टोरेज हमेशा खाली होता है। खाली होने की वजह से उनका फास्ट चलता है, क्योंकि अगर आपने देखा है कभी आईफोन तो 64 GB का लोगे तो आपको फ़ोन 50,000 का पड़ेगा, लेकिन अगर वो आप 128 GB यानी उन लोग 64 GB मेमोरी बढ़ाने के स्पेसिफिकेशन सारा सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ओनली 64 GB मेमोरी बढ़ाने के लिए आपसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं कि फालतू में चार्ज, अच्छा तो फालतू ही है, लेकिन बात की जाए स्पीड तो मामले में आपको देखना ही पड़ेगा। जो उनकी इंटरनल स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, वो जहाँ 100 MB, 200 MB, 1000 MBPS तक चली जाती है, लेकिन जो आप मेमोरी परचेस करते हो अलग से वो आपको कम स्पीड में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको इंटरनल स्पीड में खाली इसमें भरा, इसके लिए आपको फ़ोन जो है iOS का तेज और जो एंड्रॉइड का स्लो देखने को मिलता है। जैसे आपने कभी देखा है कि आईफोन के रैम होते हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है, जो अभी आईफोन 11 आया उसमें आपको 4 GB का रैम देखने को मिलता है, लेकिन वो अच्छे अच्छे एंड्रॉइड के 6 GB 8 GB रैम वाले को हरा देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यही रीज़न से होता है कि उनकी इंटरनल स्टोरेज अच्छी होती है, उनका जो रीड राइट स्पीड होती है वो बहुत बेहतरीन होता है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होता है, प्लस उनका इंटरनल स्टोरेज ज़्यादातर खाली होता है। तो ये 2-3 रीज़न की वजह से इनका जो रैम होता है कम होता है, प्लस इनका प्रोसेसर भी तगड़ा होता है, जो इनका प्रोसेसर होता है वो कम नैनो बेस्ट होता है, या जैसे बात की जाए 8 नैनो बेस्ट, 6 नैनो बेस्ट या 2 नैनो बेस्ट, जिस तरह जितने कम नैनो बेस्ट होगा, नैनोमीटर बेस्ट होगा, जैसे कि प्रोसेसर का भी यूज किया जाता है, तो कोई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो 8 नैनो बेस्ट पे है और एप्पल का प्रोसेसर अगर वो 6 नैनो बेस्ट पे है, नैनोमीटर बेस्ट पे, तो जो एप्पल का होगा वो ज्यादा होगा। जितने कम नैनोमीटर बेस्ड होंगे उतना ज्यादा आपको अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी, क्योंकि नैनोमीटर बेस्ड मतलब छोटा, मुझे 1 किलोमीटर जाना है तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मेरे को 100 मीटर ही जाना है तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, भले वो 1 किलोमीटर वाला कितना भी तेज चल ले, लेकिन अगर मुझे 100 मीटर जाना है तो भले मैं उससे आगे ही पहुँच जाऊँगा। तो इसी तरह से नैनोमीटर बेस्ड भी होता है, तो उनका जो प्रोसेसर होता है वो कम नैनोमीटर बेस्ड होता है, और जो एंड्रॉइड का प्रोसेसर होता है वो ज़्यादा नैनोमीटर बेस्ड होता है। ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण iOS हमेशा फास्ट होता है और एंड्रॉइड हमेशा स्लो होता है। तो चलेगा, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।